नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। भारतीय टीम में होने वाला है बड़ा बदलाव। आप सभी को बता दें, भारत इस समय जिम्बाब्वे के दौरे पर है, जहां पर 5 T20 मैच की सीरीज खेली जा रही है। 2 T20 मैच हो चुके हैं, पहला मुकाबला जो है जिम्बाब्वे जीत चुकी है और दूसरे मुकाबला जो है बेहतरीन तरीके से ने भारत ने जिम्बाब्वे को हराया, जिसमें भारत के यंगिस्तान का जलवा देखने को मिला। और अब तीसरे T20 से पहले यहां पर बड़े बदलाव होने की गुंजाइश है। आप सभी को बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो अभी तक जिम्बाब्वे नहीं पहुंच पाए थे दूसरे मैच तक, और अब वो तीसरे T20 मैच के लिए अवेलेबल हो गए, जैसे शिवम दुबे हो गए, संजू सैमसन हो गए और यशस्वी जायसवाल जैसे जो खिलाड़ी थे वो अब मैच खेलने के लिए अवेलेबल हो गए। ऐसे में जो है कि अब बदलाव होने की यहाँ पर संभावना है, पर क्या बदलाव होगा? क्योंकि देखो, अभिषेक शर्मा और सुमन गिल भारत के लिए ओपनिंग कर रहे हो और इन्होंने कप्तान के रूप में सुमन गिल तो खेलेंगे और अभिषेक शर्मा ने जो शतक जड़ा है, इसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरे मैच में वो खेलते हुए नजर आएंगे और उनको खेलना भी चाहिए। पर यशस्वी जायसवाल कहाँ जाएंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो फर्स्ट चॉइस ओपनर जो है सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल है, पर ऐसे में क्या यशस्वी जायसवाल को जगह मिलेगी? ये थोड़ा सा सिरदर्द वाला सवाल होगा भारतीय मैनेजमेंट के पास। वहीं दूसरी तरफ शिवम दुबे जाएंगे तो शिवम दुबे खेलेंगे वहां पर तो किसकी जगह पर? क्या ध्रुव जुरेल को हटाया जाएगा, रियान पराग को हटाया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। संजू सैमसन को भी होगा क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में एक मुकाबला भी खेलने को नहीं मिला है। तो ऐसे में बड़े सारे सवाल है, क्योंकि देखो जो ये खिलाड़ी जिम्बाब्वे जा रहे हैं इनको खेलना ही पड़ेगा। तो क्या ये रियान पराग जैसे खिलाड़ी को, अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी को, ध्रुव जुरेल को बाहर करेंगे? ये बड़ा सवाल होगा। पर मेरी माने जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक यंग टीम के साथ गए हो और जो परफॉर्म भी कर रहे, देखो अभिषेक शर्मा ने अच्छा किया, रियान पराग को अभी मौके नहीं मिले और रियान पराग को हर कोई खेलते हुए देखना चाहता है। रियान पराग को टीम में जगह मिलनी चाहिए, उनको खेलने का मौका मिलना चाहिए। ध्रुव जुरेल की जगह पर हो सकता है कि संजू सैमसन आ जाए, क्योंकि संजू सैमसन ज़्यादा डिजर्व करते हैं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो काफ़ी समय से इंडिया के लिए खेले नहीं है और उनके चांसेस होनी भी चाहिए। और तो ये थोड़ी सी संभावना है। 10 तारीख को भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा मुकाबला, देखना होगा क्या बदलाव होंगे नहीं होंगे। मेरे ख्याल से तो बदलाव जो है एकाक हो तो चलेगा, पर अगर 3 बदलाव होंगे तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होगा। पर आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम में बदलाव होने चाहिए? अभिषेक शर्मा की जगह यशस्वी जायसवाल, रियान पराग की जगह शिवम दुबे और ध्रुव जुरेल की जगह यहां पर संजू सैमसन को टीम में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जो भी आप सभी को लगता है जरूर बताइएगा, पर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।